घनी आबादी क्षेत्र में बाजारों के बीच लगने वाले जाम की समस्या लोगों के लिए तो परेशानी का सबब बनती जा रही है, लेकिन इसको लेकर होने वाले झगड़े और रोड रेस की घटनाओं के चलते कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन जाती है। जी हाँ, ऐसे ही जाम लगने की सूचना पर रामपुर पहुंची आईजी मुरादाबाद रेंज बिना सिक्योरिटी के सादे कपड़ों में एक आम आदमी की तरह रिक्शे में बैठकर घने बाजार का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी निरीक्षण किया। रामपुर में मिस्टनगंज का बाजार बेहद घनी आबादी क्षेत्र में है, ऐसे में यहाँ पर हर शाम बेहद जाम लग जाता है और जिसके चलते लोगों को परेशानियां तो होती ही हैं, तो वहीं रिक्शे वाले और साइकिल वाले और बाइक सवार अक्सर आपस में भिड़ भी जाते हैं, जिनको लेकर पुलिस की माथापच्ची बेहद बढ़ जाती है और ये कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। जाम की सूचना मिलने पर आईजी मुरादाबाद रेंज रमित शर्मा ने आज चार्जिंग रिक्शा से घनी बाजार में भ्रमण करने के बाद उन्होंने पैदल भी चलकर जाम लगने के पीछे होने वाले कारणों को जानने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने बाजार में दुकानदारों से बातचीत की तो दुकानदारों को के आगे लगने वाले दुपहिया वाहनों पर भी विचार विमर्श किया। प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के बाद अब कैसे स्थान के बारे में विचार करना है जहां पर घने बाजार के निकट पार्किंग की व्यवस्था की जा सके ताकि बाजार में बेवजह जाम ना लगे और लोगों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इतना ही नहीं, रिक्शे में सवारी के दौरान आईजी साहब ने रिक्शा वाले से भी पूछा कि आखिर जाम लगने के पीछे क्या कारण है, कहीं पुलिस वाले उन्हें बेवजह परेशान तो नहीं करते या उनसे अवैध वसूली के लिए तो दबाव नहीं बनाया जाता है। उन्होंने पुलिस की ड्यूटी पर भी नजर डाली और पुलिस द्वारा की जा रही व्यवस्था का भी जायजा लिया। शहर में जहां सबसे ज़्यादा जाम लगता है, इसके संबंध में जानकारी की गई थी। जानकारी करके फिर एक ये था कि बिना किसी और व्यवस्था के चल के एक बार देखा जाए जाम क्यों लग रहा है, लोगों से बातचीत करके कारण जाने उसका। तो इसलिए मेस्टनगंज रामपुर का बताया गया सबसे ज़्यादा जाम रहता है। यहां आके देखा गया कि किस प्रकार से जाम का सलूशन निकाल सकते हैं हम लोग और क्या कारण है, किन वजहों से जाम लग रहा है। लोकल लोगों से बात की गई और जो लोगों से बातचीत करके समझ में आया है वो या ज़्यादातर जो जनता है यहाँ की वो पसंद कर रहे हैं अभी कि शायद वन वे करके अगर इसको ट्राई किया जाए तो शायद यहाँ का जो कंजेशन है उससे निजात मिल सकती है। तो इसको स्टडी करके देखा जाएगा कि अगर वन वे से लोगों को इस जाम से निजात मिलती है तो उसको पहले पायलट बेसिस पे हम लोग करके देखेंगे। एएसपी रामपुर भी साथ में थे हमारे, सिर्फ मैं और एएसपी रामपुर दोनों ने ही जाके देखा है। इसको प्रयास किया जाएगा कि इसको किसी तरह से हम लोग जाम से निजात। आपने रिक्शा से भी सफ़र किया है, कैसा रहा सफ़र आपका रिक्शा का? जी, रिक्शा से सफ़र ठीक था। वो जानने के प्रयास था रिक्शा वाले से कि जाम लगने के कारण क्या हैं, कोई यहाँ पुलिसकर्मी परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई और दिक्कत परेशानी, जाम लगने के क्या कारण हैं। क्योंकि वो रिक्शे वाला रोज़ वहाँ से निकलता है तो उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जो लोकल दुकानदार हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कारण क्या है, किन कारणों से जाम लग रहा है, ये जानकारी करने का प्रयास किया। अच्छा, त्यौहार भी हैं, दीपावली भी आने वाली, इसके मद्देनज़र भी आपने सुरक्षा के इंतजाम देखे हैं ट्रैफिक? जी, वो इस तरीके से देखने में दिखाई दे गया कि हमारे लोग कितने सतर्क हैं और कितनी सतर्कता बरत रहे हैं, उस दृष्टिकोण से भी ये भ्रमण जरूरी है। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111009।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद